कि आपको एक रुपया एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगी और हम उससे अर्निंग स्टार्ट करें। एड से आपने किस तरह से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, कि वो कौन सी निश, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कम व्यूज पे आप अच्छी अर्निंग, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मोहतरम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं जफर टेक टीवी। आज आप सब दोस्तों के लिए एक हैप्पी न्यूज है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ब्लॉगर कंप्लीट कोर्स। हमने एक वीडियो के अंदर आप लोगों से अपने ब्लॉगर की अर्निंग शेयर की थी, उसके बाद काफी फ्रेंड्स ने, काफी स्टूडेंट्स ने इस चीज का कहा कि सर इसका एक मुकम्मल कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह आज इस कोर्स का आगाज करने जा रहे हैं और इस कोर्स की इंट्रोडक्शन लेक्चर आज जो आप अभी देख रहे हैं। लेकिन इस चीज को आपने सपोर्ट करना है, यकीनी बनाना है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसके तमाम लेक्चर्स को, तमाम वीडियोस को आप मुकम्मल तौर पर देखें और इससे सीखें और आप भी अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो इस कोर्स के अंदर हम किन चीजों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं आप लोगों से वो सारे टॉपिक्स शेयर करता जाता हूं। सबसे पहले तो हम इसमें सीखेंगे कि आप ब्लॉगर पर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। सेकंड नंबर पर कि आप इस ब्लॉगर के अकाउंट जो आप बनाएंगे उसका डोमेन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो, तो हम इस चीज में जो चीज करेंगे वो ये होगी कि हम बिना इन्वेस्टमेंट के अर्निंग करना सीखेंगे। कि आपको एक रुपया एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगी और हम उससे अर्निंग स्टार्ट करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होनी है, आपने ब्लॉगर की पोस्ट, ब्लॉगर का पेज किस तरह से क्रिएट करना है और उसको इंडेक्स किस तरह से करना है, ब्लॉगर को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड किस तरह से किया जाए, और ब्लॉगर की कंप्लीट SEO करने के बाद उसके थीम की सेटिंग किस तरह से होगी, थीम चेंज किस तरह से होगा, और ब्लॉगर का लेआउट आपने किस तरह से सेट करना है, ब्लॉगर की जो स्पीड है उसको मोबाइल फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए, ये टॉपिक भी इसी लेक्चर, इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें शामिल होगा। और उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि गूगल के जो पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी है उसके अंदर आपने अपने ब्लॉगर को किस तरह से ऐड करना है, अप्लाई करना है, और जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आपने अपने ब्लॉगर के ऊपर उन एड्स को किस तरह से मैनेज करना है, उसके बाद उन्हीं एड से आपने किस तरह से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, और ये भी आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि वो कौन सी निश, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर कम व्यूज पे आप अच्छी अर्निंग, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस सारा प्रोसीजर करने के बाद आप लोगों पे ये चीज जो है वो लाया अमल होती है कि आप वीडियोस को हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। अक्सर ये होता है कोई भी यूट्यूबर जल्दी कर कोर्स स्टार्ट नहीं करता, और उसकी कोर्स स्टार्ट ना करने की एक वजह ये भी होती है कि जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसपे मोस्टली अच्छा रिस्पांस मिलता है। ऐसे कोर्सेज पे स्टूडेंट्स अच्छा रिस्पांस नहीं देते, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी यूट्यूबर जल्दी कर कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए काफी सारी चीजों को एक मैनेज वे पे लेके चलना पड़ता है, काफी चीजों को स्टडी करना पड़ता है, और एक कोर्स बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है। तो आज की वीडियो का, आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर का था, इसको यहीं पे करते हैं इख्तिताम, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे कि आपने एक ब्लॉगर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।